नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां कपासन विधानसभा में 40 दावेदारों ने कांग्रेस पार्टी से आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें माना जा रहा है कि पूर्व विधायक शंकरलाल बैरवा को समाज में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रमुख दावेदारों में विधानसभा क्षेत्र कपासन से 4 नाम संभावित उम्मीदवारों के चल रहे हैं। पहला पूर्व विधायक शंकरलाल बैरवा, दूसरा ललित बोरीवाल, तीसरा मांगीलाल बैरवा, चौथा आनंदीराम खटिक। अब देखना यह है कि किस उम्मीदवार पर हाईकमान मोहर लगाएगा, जिसमें अशोक गहलोत गुट से शंकरलाल बैरवा, डोटासरा गुट से ललित बोरीवाल है। लेकिन पार्टी में शंकरलाल बैरवा का काफी विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाति समीकरण एवं स्थानीय उम्मीदवार के अनुसार बैरवा समाज से मांगीलाल बैरवा पर भी कांग्रेस पार्टी विश्वास कर सकती है तथा पार्टी से टिकट मिलने की संभावना बन सकती है। अगर सचिव पायलट खेमे की चली तो आनंदीराम खटिक भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन चारों में से कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। देखने वाली बात यह है कि अगर पार्टी टिकट आपको देती है तो कपासन विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, साथ ही किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे व कपासन विधानसभा की जटिल समस्याओं को कैसे हल करने का प्रयास करेंगे। नौजवान एवं बेरोजगारों की रोजगार की समस्या, कपासन में पानी की समस्या, सड़कों की समस्या आदि का समाधान क्या होगा। हमारे साथ कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार मांगीलाल बैरवा। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि कपासन विधानसभा में आचार संहिता लग चुकी है और प्रत्याशी अपने दावेदार आम जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कपासन विधानसभा में करीबन 40 लोगों ने अपने आवेदन प्राप्त दर्ज करवाए और उम्मीदवारी के तौर पर हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मांगीलाल जी बैरवा ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव के समय आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, इस मामले को लेकर हम मांगीलाल जी से चर्चा करना चाह रहे हैं। विधानसभा को किस तरह की सौगात देना चाहेंगे, अगर इनको टिकट मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। मांगीलाल जी, चैनल में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विधानसभा क्षेत्र कपासन से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी ने कपासन में और राजस्थान में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और जहाँ तक मेरी जो धारणाएं हैं और मेरी जो रणनीति है, विधानसभा क्षेत्र कपासन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें ऐसा कोई औद्योगिक स्रोत नहीं है और बहुत ही इंटीरियर एरिया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि भोपाल सागर क्षेत्र में जो शुगर मिल वर्षों से बंद पड़ी हुई है उसको वापस चालू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, बनास नदी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र कपासन से होकर के निकलती है और कपासन के जो तालाब है, जैसे भोपाल सागर है, कपासन है, डिंडोली है, धमाणा है, जासमा के जो तालाब हैं वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बरसात की कमी के कारण, लेकिन बनास नदी और फ्लो हो रही है और मातृगुंडा बांध बना हुआ है और मातृगुंडा बांध भी और फ्लो हुआ है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि मातृगुंडा बांध से जो फीडर निकाल करके कपासन के तालाब, भोपाल सागर के तालाब और धमाणा और डिंडोली जो बांध है वो भराए, जिससे कपासन की जनता को जो ये पूरा एरिया है वो सरसब्ज होगा और किसान अच्छी तरह से कमा खाएंगे। दूसरा, भोपाल सागर का जो गन्ना प्रोजेक्ट है और चावल की खेती जो होती थी वो बंद हो गई है, तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि अगर पानी का सोर्सेज अच्छा हो जाता है और पानी भोपाल सागर के तालाब में अच्छा हो जाता है तो वापस चावल की जो खेती, जो भोपाल सागर का बासमती चावल है जो विदेशों में